Hello everyone, welcome to Idols Podcast, Unleashing Experiences. So, I'm back again with another episode of Unleashing Experiences. और यहाँ पे आज मेरे साथ है कार्तिक प्रियदर्शन एंड मोहन पांडे. So good to be back with our ex-crew members. बहुत काम किया हम लोगों ने एक साथ. And Idols के साथ वापस हम लोग associate हो रहे हैं. So great opportunity and pleasure as well to connect with them. And the purpose of this podcast is definitely हम ये time कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं. Okay, bigger and better जो tagline हम लोग follow कर रहे हैं. So जैसा आप सब ने देखा है कि हमारे social media platform जैसे हमने announce किया that we are coming up with a mentorship program called as Wisdom, right? So बहुत लोग को शायद doubts है, थोड़ा सा questions है कि exactly क्या होने वाले course में. मेंटोरशिप है तो मतलब क्या है इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में, ऐसे ही कि हम लोग खुद भी चीज़ें दे रहे हैं. नो, इट्स अब एक्चुअली स्टेइंग ट्रू टू दैट वर्ड ऑफ मेंटोरशिप. ओके, सो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या होने वाला इस कोर्स में, व्हाट आर स्टूडेंट्स गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस कोर्स. ओके, एंड इस कोर्स का आउटकम क्या रहने वाला है एंड हाउ दे कैन यूज ऑल दोज आर एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, जो मिस्टेक्स किया है टू लेवरेज their career to another level or scale their career, I would say. So discuss karte hain. Thank you so much boys for joining on this podcast. Thank you. Glad to be here. Okay, so Mohan, I guess aap kabhi aaye nahi ho Idols podcast. This is the first podcast of yours. Yes. I'm very happy to have you here. Thank you. So, thank you. Mera debut hai. Okay. So bahut acha lag raha hai aap log ke sath wapas connect karke, थ्रू आइडल्स. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग आइडल्स के थ्रू ऐसा कुछ प्लान करेंगे, बट थैंक्स ये अपॉर्चुनिटीज के लिए, यू नेवर नो. बट जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं राइट अबाउट द मेंटोरशिप प्रोग्राम, सो हमारे जो लिसनर्स हैं या फिर जो लोग हमसे सीखना चाहते हैं, सो लेट्स एक्सप्लोर अबाउट दिस कोर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली हम लोग इस कोर्स प्रोवाइड करने वाले एंड कितना उनको एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है इस कोर्स अटेंड करके. ओके, and so wisdom first of all discuss karte. Okay, Karthik, I would like you to explain wisdom kya hai exactly and what is the purpose of this course according to you. So pehle to main wisdom ke bare mein batana chahunga. Wisdom ka matlab hota hai ki the quality of having experience, knowledge and the quality of having a good judgment and being wise. So the point is we have been into this industry for more than like 13 to 14 years और हमने काफ़ी अलग तरीके के काम किए और काफ़ी लोगों के साथ काम किए, काफ़ी अलग अलग स्टेजेस पे काम किए. सो मतलब वो प्रोसेस में हमने क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स देखे हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि वैसे मिस्टेक्स अभी के जनरेशन, अभी के डांसर्स जो है, जो हर कोई फेस करता है, बट देन हम कोशिश करेंगे कि ये कोर्स के थ्रू हम वो ऐसा एक स्किल्स और ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे वो इसको टैकल कर पाए और खुद को अपग्रेड कर पाए और खुद को रेडी रख पाए हर चीज़ के लिए, हर सर्कमस्टेंसेस के लिए. बिकॉज आज हम ये पोजीशन पे पहुँचे हैं, इट टुक अस ऑलमोस्ट मोर देन 12 इयर्स. सो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि वो सारी चीज़ें कभी हमने एक्चुअली शेयर नहीं किया है कभी. एंड थैंक्स टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस आइडिया वेयर वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, जो आई गेस कभी किसी ने उतना वैसा कोई कोर्स क्रिएट नहीं किया है जिसमें वो शेयर कर पाए और बता पाए कि खाली डांस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डांस के साथ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसपे ध्यान देना ज़रूरी है जिससे आप ग्रो कर पाओगे, जो काफ़ी लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी बोलते ना रह जाते हैं बिकॉज उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है सही से, उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाता है सही से, बट दे आर रियली रियली टैलेंटेड. सो वी विल ट्राई टू डू टू गिव आर बेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, शेयर आर बेस्ट स्किल्स सो दैट वो उनको हेल्प कर पाए टू ग्रो एंड टू रीच अ लेवल वेयर दे हैव केप्ट इन देयर माइंड्स एज़ स्टार्ट. बेसिकली इट्स अ कोरियोग्राफर की पर्सपेक्टिव्स लाइक क्या लेवल पे हम लोग अचीव कर सकते हैं एंड हाउ आर एक्सपीरियंसेस, आर मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग कैन हेल्प देम टू कम आउट बेटर. एंड आप लोग दोनों काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हो राइट एज अ कोरियोग्राफर्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रू एज वेल. एंड लाइक आप लोग कोरियोग्राफी में बहुत इनपुट्स रहा है, बी एट द एच एच आई लेवल,
WOD के स्टेज पे डांस चैंपियंस एंड नॉट ओनली द कॉम्पिटिशन लेवल बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव जैसे एंटरटेनमेंट शोज अवार्ड फंक्शंस हो गए राइट एंड लाइव इवेंट्स एंड शोज आर वेयर वी हैव डन इट लाइक नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके सो ये सब चीज़ों को करके इफ आई वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोग कोर्स के थ्रू सिखाने वाले हो जो काफ़ी फ्रूटफुल बोलूँगा मैं बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू सेल जो आपने इतने मेहनत से नर्चर किया है बिल्डअप किया है सो ये 10 days का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है सो इससे स्टूडेंट्स क्या आउटकम क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स के लेवल पे मोहन आप कुछ अगर बोल सकते तो एक्चुअली कार्तिक भाई ने ऑलमोस्ट सब चीज़ पॉइंट वो कर दिया है बता दिया है क्या नहीं एक्चुअली जो उन्होंने बहुत इजी टर्म्स में सब चीज़ बता दिया बेसिकली हम लोग वही कर रहे हैं हम लोग मेक श्योर करेंगे जो मिस्टेक्स 10-12 years में हमारे साथ हुआ था वो आपके साथ ना हो है ना सो जो शायद टाइम हमें 10 साल लगा हमें तो शायद आपको उतना ना लगे नॉट जस्ट क्रू ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मर आप कैसे ग्रो कर सकते हो क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल परफॉर्मर जैसे ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली योर टीम विल बी स्ट्रॉन्गर तो वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में सिखाने वाले हैं एंड ऑल्सो यू शाउट आउट टू आपको आप ये कोर्स लेके आइडिया हमारे पास आया तो आई वॉन्ट टू नो योर थॉट कि आपने कैसे सोचा बिकॉज वी लव इट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सपोर्टिंग ऑलवेज इन एवरी स्टेजेस ओके आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर योर मतलब एग्री करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ करने के लिए ठीक है एंड कमिंग टू द पॉइंट लाइक क्या आइडिया एक्चुअली ट्रिगर क्या ये चीज़ करने के लिए बिकॉज व्हेन आई गॉट बैक अगेन विद ऑफलाइन ठीक है आइडल्स ऑलमोस्ट 1.5 years तक इट वॉज जस्ट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Okay, students were having an amazing time, getting to learn from the best teachers of our country. Okay, unka experience काफी अच्छा रहा है. And when it came to offline, ठीक है, so मुझे offline वो same चीज़ नहीं करना था जो मैं पहले करते आ रहा था. Okay, so the purpose I started doing entrepreneurship as well was to address some problems, right? तो ऑफलाइन में अगर मैं सोचा अगर मैं कुछ चार्ट कर रहा हूँ तो मैं वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करना चाहता हूँ जो आज के डांसर्स फेस कर रहे हैं एंड वो चीज़ें टैकल नहीं कर पा रहे ओके सो दैट वाज द आइडिया कि मुझे एनकरेज किया कम अप विद ऑफलाइन कोर्सेज जैसे 12 कोर्स हो गया ओके देन वी हैव शब्द कला विच वी स्टार्टेड विद अविनाश अंगवानी देयर इज ऑल्सो आवर न्यू कोर्स ऑफ अनुभव एंड विजडम इज लाइक मच ऑन अ लार्जर स्केल ठीक है जहाँ पे मैं उस पर्सपेक्टिव पे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहता था जहाँ पे लोग कमर्शियली क्या चीज़ नहीं कर पाते ठीक है कोरियोग्राफी तो है ही ऑब्वियसली कोरियोग्राफी पर्सपेक्टिव पे तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा लेकिन वो कोरियोग्राफी कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म किस तरह से होना चाहिए वो शायद वो नॉलेज लैक कर रहे हैं एंड साथ ही साथ मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप आपके डांस एंड कोरियोग्राफी स्किल्स के अलावा और भी ऐसे स्किल्स बहुत ज़रूरी है जो उनको सीखना चाहिए ओके बेसिकली कैसे नेटवर्किंग करना है ठीक है अगर आप अच्छे कोरियोग्राफर हो या फिर आप अच्छे डांसर हो सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को सेल करना भी सीखो ठीक है ताकि आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओ ओके बहुत लोग आते हैं यहाँ पे सर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्या लेकिन मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप स्किल्स खुद का ऐसे ट्रेन करो हमारे यहाँ पे ताकि आप अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट कर पाए राइट सो कैसे खुद को हमारे इस कोर्स में हम लोग बेसिकली ये भी सिखाने वाले हैं कि कैसे आप खुद का नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हाउ टू पिच योरसेल्फ टू डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज कैसे उनके डिमांड के हिसाब से भी कैसे कोरियोग्राफीज कॉन्सेप्ट्स डिज़ाइन करने आना चाहिए कैसे खुद को मार्केट करना है एज एन इंडिविजुअल और एज अ डांसर एज वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप उनके साथ बिल्डअप करना है सो दैट द वर्क अपॉर्चुनिटीज कीप ऑन पोरिंग इन ओके सो ये सारे पॉइंट्स को रखते हुए बिकॉज इट्स हाई टाइम बिकॉज वी मैंने एक मैनेजरल पोजिशन पे काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है यू ऑल हैव गेन्ड लाइक अबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंस एज कोरियोग्राफर्स एज परफॉर्मर्स सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा चीज़ लेकर आया विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस और जैसे आपने मैंशन किया जो मिस्टेक्स किए एक्सपीरियंसिस किए वो काफ़ी उनको हेल्प करेगा करियर पर्सपेक्टिव से बिकॉज जितना टाइम हमें लगा शायद उससे कम टाइम उनको लग सकता है वो वो पर्सपेक्टिव वो विजन तक पहुंचने के लिए सो दैट वाज माय
main intention of coming up with this course? I really like that part where, matlab, which is really important in day-to-day's life. I mean, how you commercialize your art. Exactly. Which, I mean, people don't, you know, I mean, वो उनकी गलती भी नहीं है शायद, उन्होंने कभी वो एंगल में सोचा नहीं सोचा है नहीं। फिर कभी वैसे काम नहीं किया, बिकॉज वो लोग, उनका एक ही चीज़ रहा है हमेशा आर्टिस्ट का कि दे ऑलवेज वांटेड टू बी ट्रू टू देयर आर्ट, और वो लोग उसी चीज़ पे काम करते रहते, तो वही प्रोसेस में वो ऑफकोर्स भूल भूल नहीं, पर उनके ध्यान में नहीं आता है हाउ वी कैन कमर्शलाइज दिस, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स यू नो वी हैव टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ एग्जैक्टली एवरीथिंग वट एवर वी डू, बिकॉज सर्वाइव करना इम्पॉसिबल स्पेशली फॉर आर्टिस्ट, तो बिकॉज सोसाइटी भी ऐसा देखता है पूरा सब कुछ, मतलब अलग बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, स्ट्रगल्स है, बट देन यस दिस कंसेप्ट, दिस आइडिया ऑफ यू नो हेल्पिंग देम हाउ दे कैन कमर्शलाइज देयर आर्ट एंड यू नो हाउ दे कैन ग्रो एंड हाउ दे कैन बैलेंस देयर यू नो लिविंग एंड यू नो एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो फोकस ऑन देयर टैलेंट एंड आर्ट, सो दिस इज अ रियली नाइस कंसेप्ट एंड मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड एंड huge shout out again yes. you for coming up thank you so idea. much and thanks for your support so I guess bahut humne discuss kiya iske bare mein course ke bare mein and hamare jo listeners hai jo aspiring dancers jo really dekh rahe as a career build karne ke liye unko ek clarity mila rahega hum log kya cheeze sikhane wale in this 8 to 10 days of program it's very short duration lekin it will be I believe bahut hi intensive hone wala because we also don't want to stretch it like for 4 to 5 months 6 months ye sab cheeze karke okay we just want to you know make it like a shorter course jahan pe training impactful rahe and kam time mein hum log utna cheez seekhe ki they start applying it in their you know unke daily life mein you know jahan pe wo journey mein jahan pe hum log dekhna chahte khud ko aage aake so thank you once again Mohan and Karthik for joining this podcast sharing your experiences and also a lot many of information about this course of wisdom and I'm very excited to start with this course and please agar jo bhi join karna chahta hai so note kijiyega we are starting with our course from 21st of November yes. and yes aapko pura personal training milne wala hai from Karthik Priyadarshan and Mohan Pandey sir where they will be sharing an abundance of knowledge and information also from Shijin Ramesh Kadogal yes yes and if interested then you can definitely contact us and we will provide you with some more information on call as well so thank you so much people thank you so much for thank joining you, in thank you thank you and thank you thanks to all of our listeners for listening to this podcast thank you so much mm-hmm.